आई लव यू। चलो दोस्ती कराए दे बेटा, बहुत दिन हुई है। चल बहन दोस्ती कर गया। अरे हटे, चल आग लगा दे ना हमको। चल दोस्ती हट ना दोस्त। ओए ओए, एक तो भाई गरीब क्यों करे बात, हम क्यों करे जब आग लगाते क्यों करे बात। तो मत करना, मत लगाना। हेलो जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 9:30 बजे से, यानी कि फैक्ट्री के छुट्टी होने के समय पे, और मेरी घर में चल रही है अनबन, जो कि मैं पिछले ब्लॉगों में बोल चुका हूँ। वो मैं बोलूँगा नहीं, किसी से बात नहीं कर रहा मैं, मम्मी बहनों से किसी से भी नहीं 3 दिन से। तो मेरी वाइफ ने बोला था कि रात को आना, दोस्ती करा देंगे, तो जा रहा हूँ फैक्ट्री से छुट्टी करके घर। देखते हैं घर में क्या होगा, कैसा होगा। घर पे आते ही इसको खिलाओ शैतान को। विराट विराट विराट, जाओ दुकान दुकान जाओ, पापा के जाओ, घुटन घुटन दे तब तक तो पहुँच ही जाए। साथ ही साथ बॉल बॉल खेल रहा हूँ इसके साथ। घुटने घुटने चलने लग गया हमारा विराट। देखो बॉल पकड़, बॉल 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 तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद मैं खिड़की पर फोन रख के अपना ब्लॉग चालू कर रहा हूँ, और आज है 20 जून 2024, और मैंने अपने टिकट करवा रखी है। जो मेरे यूट्यूब से पैसे आए थे पैसे 14-15 तारीख यूट्यूब से मेरे फर्स्ट पेमेंट आई थी, तो मैंने टिकट करवा लिया है दिल्ली से हरिद्वार तक की, 6 लोगों की। 5 हम लोग हैं, 1 काजल कोमल की सहेली है। और थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं, मतलब पिछले 3 दिनों से मैं अपनी बहनों और मम्मी से बात नहीं कर रहा, कुछ अनबन हो गई थी, कुछ बहस हो गई थी, तो मैंने भी कुछ बोला, उन्होंने भी कुछ बोला, तो बात नहीं हो रही। मैंने थोड़ा ऐसा बोल दिया, नंदे आग लगाने वाली होती हैं, ऐसी वैसी होती हैं, ये घर में आग लगा देती हैं, लड़ाई करवा देती हैं, तो भड़क हो गई है, तो दोस्ती नहीं है 3 दिन से। मैं 3 दिन से उनसे बोल नहीं रहा, तो ऐसी कुछ कॉन्टेक्स्ट है। तो आज मैं कोशिश करूँगा बेशरम बनने की, उनसे खुद बोलने की। और मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी है कि उन्होंने खुद से बात करने की कोशिश नहीं करी मुझसे, मतलब खुद से दोस्ती करने की या बात करने की या मैटर सॉल्व करने की। तो मैं ही बेशरम हूँ, हर बार की तरह मैं ही झुकता हूँ, तो हम ही झुक जाएंगे और हम ही बात करेंगे, ऐसा कुछ था। और बस बाकी तैयार हो गया हूँ सुबह सुबह काम पर जाने के लिए, और आज मौसम ठंडा हो गया है, थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो गया है आज 20 तारीख को, और 2 दिन रह गए हैं। और वहाँ जाने से पहले मम्मी इधर आओ, इधर ही हो। चल मारी छोड़ के आ जी, ये पूरी खा ले। हाय मारी, आई लव यू। चलो दोस्ती कराए दे बेटा, बहुत दिन हुई है। तुमने एक बात नोटिस करी मम्मी, हैं हर बार कौन झुकते हैं? मां ना है ना, उन दोनों में से हम ना से कौन झुकते हैं? उन्हें ना झुकना चाहिए कभी दोस्ती करने के लिए। अहंकार है, हैं कहता रहे देख ले कितने खुश हो रहे हैं अपने घर के। अच्छा खुश हैं, हाँ खुश दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन बाद ट्रिप पे जाने, चल स्कूटी छोड़ ऐसे जल्दी चलो दोस्ती करा दो। चल चल चल, तो फिर से तो चाय पी लेंगे। चलो लो आ जाओ, ये देखो बिना मेकअप करी हुई वाइफ ऐसी लगती है कुछ, दिखाइए जी। चलो बेशरम बनने जा रहा हूँ, तो फोकस पूरा होना चाहिए, ठीक है?
ये देखो भाई, दोनों में से कोई नहीं झुका पहले, मतलब दोस्ती करने के लिए। दो तीन दिन हो गए नहीं बोल रहे, सब एक दूसरे के सामने से निकल रहे हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा, चेहरा झुकाए झुकाए। अब खत्म कर मैटर, ठीक है, वरना हरिद्वार हरिद्वार ना ले जाएं तो आग लगा देंगे। तो आग लगाना बंद कर दे। चल 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 अच्छा चल, स्कूटी से चल, छोड़ दी देंगे। चलो ठीक, कुछ बोलना चाहेगी? हां कुछ नहीं बोलना। बिल्ला कागज लिया हम जोर अंदर के, एक बोतल पानी की। एक तो भाई इन्होंने किसी ने बात करने की कोशिश नहीं करी। क्यों करें बात, हम क्यों करें जब आग लगाते, क्यों करें बात? तो मत करना, मत लगाना, ना ना जाने ना जाने टिकट कैंसिल करवा दो। बलवीर की बात जा रही बोल, ठीक है हमें वैसे ना जाने। पक्का मम्मी देख लो टिकट कैंसिल, चल गुस्सा थूक दे, जैसे पापा वो तमाकू खाए थूक दे ना, विमल खाए थूक दे, वैसे थूक दे। ले 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 ले। चल हर बार ना मेरे को ही बेशरम बनना पड़ता है दोस्ती। अरे फिर मान दे, चल भैया मैंने नहीं लड़ाई ना। हम बोलेंगे ही ना, साफ सीधी बात है। अरे तो आग लगाना बंद कर दे ना, ना बोले हम बोलेंगे ही ना, आग लगेगी ना। चलो चलो चलो, वो रोने लगी है तो चल। तो ऐसे मत करो, पर जगह बैठी थोड़ी देर तुम बैठी है ना। अरे इन्हें बोलने की कोशिश करिए एक बार। तो तुम बड़े अरे आजा, चलो मम्मी समझा लो ना, मालो जेंदे ओए छोड़ दे ओए, बस एक बार एक बार एक बार ओए भैया बहन मैं चल हमसे दूर रह, दूर रह, मैं कुछ पसंद ना बोलो। चलो मान जाए, चले गले मिलने ना, मिलने हमें गले। अरे तो रोए क्यों रही है? कर रहे हैं भैया, हंस रही है कि मैं रोवेन को मार कर रही। चल सॉरी बोल, जो खुला पड़ा था वो ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे हटा, ऐसे दिखाओ, चाट देनी मार दे, हटा लो ना मम्मी, हट जा, कुछ ऐसे बोलियो जिससे ऐसे कर। अरे हट जा, चल फिर मम्मी तो बोलेंगे। चलो भाई अपना मनाना हो गया, बाकी मानी नहीं। चलो भाई मेरे दिल पे जो बोझा था वो उतर गया कि भाई मैंने बोला अपनी तरफ से, बाकी वो ना बोले बाद में बोलने लग जाएंगे। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, वो शुरू शुरू में थोड़े नाटक करती हैं और बाद में बोलने लग जाएंगे। पर इससे मैं खुश हो गया, मतलब दिल खुश हो गया। अब मतलब मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं उनसे बोला और मैंने जब बोला ना कि तेरे को कैंसिल करके अपनी दोस्त की एक वाइफ है, अपने दोस्त को ले जाऊँगा उसकी वाइफ को, बोल रही कोई नहीं जाना चाहिए, तो जाएंगे, अब दोस्ती हो गई है। चलो चाय पानी को, अब चाय पानी नाश्ता वास्ता करते हैं फिर निकलते हैं काम पे, बाकी देख के आज अपना दिन कैसा जाए ना। देखो बिना नहाए बिना धोए मेरी नहाए बिना बिना मेकअप करे मेरी वाइफ का चेहरा कुछ ज़्यादा लगता है। प्यार सुंदरता से नहीं होता, दिल से होता है, क्यों समझे बाबू? आपका दिल बहुत साफ है। कैसा लगा मेरा मजाक? आर यू एक्साइटेड? तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही वैसे कि हाँ दिन आ रहे पास 22 तारीख जाने हैं कुछ? नो क्यों? ये मेरी भाई पता नहीं कैसे घूमने फिरने में ज्यादा है, घूमने फिरने में है कुछ मतलब अच्छा लगा था, लेकिन फिर तुम्हारी बात उनसे ना आई है, कुछ जा रहे हैं। हमने कौन सा तुम्हें फांसी भी चढ़ाया? तो फांसी पे चढ़ाए नहीं दो। फिर ये भी मेरी वाइफ भी कम नहीं है भाई, छोटी छोटी बातों को लेके बखेड़ा बनाना, नाराज होना, बखेड़ा बनाओ, छोटी छोटी बात को लेके नाराज होना, दिल पे लेना, किसी और से बोल के बखेड़ा बनाते हैं कि तुम्हें बहन से, मम्मी से, भाई से, पापा से, झूठ मत बोलो करो, तुमने हमने पहले ही बोली सच्चाई, बखेड़ा बखेड़ा जाना तो क्या होता है?
बताओ बताओ जो मैं कर रही हूँ मजाक कर रहा हूँ भाई। बाकी मेरी वाइफ केयर करने के मामले में एक नंबर है, पता नहीं और किसी की वाइफ होती होगी या नहीं। बिना नाश्ता करे मेरे को काम पे नहीं जाने देती, चाहे मैं कितनी भी जिद जबरदस्ती कर लूँ काम पे जाने के लिए। स्मार्ट तो है, बिना मेकअप के भी कम है क्या मेरी वाइफ की इज्जत? और गोरी मेरे से भी ज़्यादा हो गई। जब मैं देखने गया था ना अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम, तो मतलब मैं गोरे के मामले में मैं था 90% और ये थी 60%। और अब भाई ये उल्टा हो गया, अब ये हैं 90% और मैं हूँ 80% गोरे के मामले में। जब तुम देखने गए थे ना हमें, तुम्हारे इतने साथ थे हम ना, तो हाँ थोड़ा कलर डाउन तो गेहूँ काट के आए थे हम। अच्छा गेहूँ काट के आए थे, हमसे कम साफ थी ना, हमसे कम गोरी थी ना। हाँ तुमसे कम थे भाई, गांव की धूप आप फिर बहुत होते हैं। इधर आके अब मेरे से ज्यादा गोरी हो गई। चलो सबसे ज्यादा गोरी विराट, विराट तो आई गोरा। चलो क्या चीज बोल रहे? अरे हम ये कह रहे हैं आपके कितने में जाओगे? अब मैं बता दो ये क्या बोल रही थी, ये मेरे को बोल रही है कि मैं किसी और के संग भाग जाऊँ कि ताकि क्राइम पेट्रोल वाले हमारे घर आएंगे, बोलेंगे आपकी घटना पे हमें एक एपिसोड बनाना है। प्लीज यार झूठ मत बोलो, करो कुछ भी बोल देता हूँ ये पड़ेगा ब्लॉग में।